तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड फॉर SHM। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एक साइकिल है, एक जो साइकिल है यानी कि ये गया मीन पोजीशन से स्ट्रीम, वापस मीन में आया, फिर से माइनस ए में गया और फिर से मीन पर आ गया। ठीक है, तो ये जो एक राउंड यानी कि एक चक्कर लगाने पे, एक साइकिल लगाने में जितना टाइम लगता है एक साइकिल पूरा करने के लिए, और यही अगर हम इससे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से अगर कंपेयर करें, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हमारा मीन है यहाँ से चला तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो ये जो साइकिल पूरा करने पे जो टाइम लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तो अब डिपेंड करता है सिस्टम सिस्टम के ऊपर है, अलग अलग सिस्टम है हमारे, कहीं पर पुली भी लगी हुई है, कहीं पर सिर्फ ब्लॉक और स्प्रिंग एंड ब्लॉक है, तो ये जो टाइम पीरियड है ये तो वेरी करेगा ना, एक तो स्प्रिंग के पर भी वेरी करेगा, कितना एक्स हमने कितनी स्प्रिंग खींची उस पर भी वेरी कर जाएगा, स्प्रिंग कितनी खींची, कितना हमने एक्स डिस्प्लेस किया, ये एक्स कितना मैं डिस्प्लेस कर रहा हूँ इस पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड किस पर करेगा, के पर डिपेंड कर सकता है, नहीं स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है जो मटेरियल है उस पर डिपेंड कर सकता है, और एज वेल एज एक्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है कि जितना हमने खींचा उतना वो फास्ट टाइम पीरियड ले लेगा, है ना। हम देखो अगर हम कम स्ट्रेच करेंगे, माना कि अगर हम कम स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, टाइम पीरियड उतना ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना, तो जितना आप जिस हिसाब से आप डिस्प्लेस कर रहे हो तो टाइम पीरियड उस पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, तो वो देखेंगे कौन किसका क्या रिलेशन है, के का क्या रिलेशन है, एक्स का क्या रिलेशन है, वही हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहले तो हम जो टाइम पीरियड है इस सर्कल का, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से ही हम SHM को पूरी जो पिक्चर हमने देखी, पूरी कहानी इस सर्कुलर मोशन से हमने इसके SHM से कनेक्ट की थी। ठीक है, ये तो पहले ही काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं, इस पर बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो एज वी हैव सीन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। ठीक है, ये तो हम लोग पहले सब डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन आ रही है वो ए कॉस ओमेगा टी है, फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट करके वी की निकालते हैं, फिर वी को डिफरेंशिएट करके हम लोग एक्सेलरेशन की इक्वेशन निकालते हैं, जो कि क्या आती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। करेक्ट, यहां तक हमारा हो गया था, हमने यहां पर क्या निकाल लिया था कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमने निकाल ली थी। अच्छा, अब ये देखो जरा, क्या ये एक्स के बराबर है, तो यहां पर ए कॉस ओमेगा टी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स रख सकते हैं, ओमेगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी है। अरे भाई, जो एंगुलर वेलोसिटी है वही तुम्हारा SHM है, जितनी ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी होगी उतना तेज SHM होगा। करेक्ट, टाइम पीरियड उतना कम हो जाएगा, है ना, तेजी से चक्कर लगाएगा वो, तो डेफिनेटली हमारी एंगुलर वेलोसिटी पे तो डिपेंड कर ही रहा है। करेक्ट, सर्कुलर मोशन जितना तेज होगा उतना तेज SHM होगा, ये बात तो समझ में आ गई ना, यहां तक बात समझ में आ गई कि एक्सीलरेशन डेफिनेटली किस पर डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी और एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स मतलब जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहां से देखो हम क्या करेंगे, बोथ साइड MM से मल्टीप्लाई कर देंगे, MA माइनस ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर दिया तो m इंटू ए क्या होगा, वो हमारा फोर्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा, तो कुल मिला के हमें फोर्स का फॉर्मूला मिल गया m ओमेगा स्क्वायर x। यहां तक क्लियर है, ठीक है ना, तो ये जो फोर्स है, जो एंगुलर वेलोसिटी, एक जो फोर्स लगा के हमने एंगुलर वेलोसिटी दिया, वही फोर्स हम इसको ही इसे कनेक्ट कर रहे हैं ना, वही फोर्स जो शेडो बन रही थी, जो मैं पहले बता चुका हूं कि जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से SHM हो रहा है वो क्या होता है, वो रिस्टोरिंग फोर्स होती कि नहीं होती है, है ना, रिस्टोरिंग फोर्स होती कि नहीं होती है स्प्रिंग की, दैट इज माइनस के
बोलो माइनस के इंटू वैक्स, यही सेम फोर्स तो है, यहां पर एंगुलर हो रहा है, यहां पर एसएचएम हो रहा है, उसी फोर्स से। यानी दोनों फोर्स इक्वल है तो ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, है कि नहीं है बोलो। तो बोथ साइड अभी दिखा दो इक्वेशन, चलो इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, करेक्ट ओके। माइनस के एक्स, चलो माइनस माइनस हट गया तो क्या आ जाएगा, एक्स एक्स कटेगा, रिड्यूस करो तेजी से, माइनस माइनस कट हुए तो आ गया के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर के अपॉन एम ओमेगा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये हमें मिल गया ओमेगा, देखो एंगुलर वेलोसिटी पूरी तरीके से मैंने के और एम पे डिपेंड दिखा दिया है ना, यानी कि स्प्रिंग जो एंगुलर वेलोसिटी हो रही है, इसमें जो एस एच एम हो रहा है, इसमें जो एस एच एम हो रहा है किस पर डिपेंड हो रहा है आप देखो, के और एम पर, यानी कि जो ब्लॉक जो मास है, जो भी मास आपने लगाया हुआ है उस पर, एंड के जो स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट है, स्प्रिंग का मेटेरियल का जो कॉन्स्टेंट है, इस पर डिपेंड हो रहा है, देखो है ना, मैंने दिखा दिया इस पर डिपेंड हो रहा है पूरे तरीके से, मैंने यहाँ पर इक्वेशन ड्राइव कर दिया। तो ये तो ओमेगा की इक्वेशन आ गई। नाउ एज यू नो टाइम पीरियड का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा है ना, टू पाई अपॉन ओमेगा। अब ओमेगा की वैल्यू रिप्लेस कर दो, यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं, टू पाई अंडर रूट के अपॉन एम, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, टू पाई अंडर रूट एम अपॉन के आ जाए, ये हमारी टाइम पीरियड आ गई, ये हमें एस एच एम का टाइम पीरियड हो गया। देखो यहां पर तो के जो था वो स्प्रिंग का कॉन्स्टेंट था, ये ध्यान रखना है जरा, यहां पर के क्या है, स्प्रिंग के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू है, करेक्ट। यहां पर जो के हो रहा है, ये जो के हो रहा है ये एस एच एम का कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम लोग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड की। भाई देखो पहले टाइम पीरियड किसके लिए था, टू पाई बाई ओमेगा, सर्कुलर मोशन से देख रहे थे, टू पाई बाई ओमेगा। अगर हम एस एच एम से देखें, अगर हम एस एच एम से देखें तो टाइम पीरियड देखो एंगुलर वेलोसिटी को हटा दिया, टू पाई एम बाई के में के पर आकर डिपेंड हो गई, टाइम पीरियड किस पर डिपेंड हो रहा है, मास एंड के पर, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन थी टाइम पीरियड, ये तो आपका सर्कुलर मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू था, जब हमने एस एच एम से इसको देखा, एस एच एम से कनेक्ट किया तो हमारा टाइम पीरियड क्या निकल गया, टू पाई एम अपॉन के। तो ये जो के है नाउ ये कॉन्स्टेंट फॉर एस एच एम है, अब ये एस एच एम बन चुका है ना। तो ये जो टाइम पीरियड निकल आया, किसका टाइम पीरियड निकल आया, ये एस एच एम का निकल आया। तो यहां तक क्लियर हो गया, टू पाई बाय एम के, इसका मतलब अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है स्प्रिंग में, रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, अगर यहां पर जो भी के आ रहा है, जितना भी के है वही के इसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर यहां पे टू के लगता, समझो कि टू के लगता, तो यहां पे के की जगह क्या आ जाता, टू के आ जाता, क्योंकि इसी को इक्वेशन तो हमने ड्राइव किया है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स को तो मैंने ड्राइव किया टू पाई अंडर रूट एम बाई के, यही मैंने ड्राइव किया ना, यहां पर के है तो यहां पर भी के, यहां टू के होता तो इधर टू के रख देते, अगर यहां पर के बाई फोर होता है ना, कोई एक रिस्टोरिंग फोर्स तो कुछ भी हो सकती है ना, अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग सिस्टम में हो सकता है के बाई फोर हो जाए, तो यहां पर भी हम क्या रख देंगे के की जगह के बाई फोर, क्योंकि यही इसी वैल्यू को, ये जो इस वैल्यू को ही तो मैंने ड्राइव किया है यहां पर, है ना। अगर यहां पे सिंगल के है तो यहां पे सिंगल के, तो ये क्लियर है यहां तक के, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स को जिस तरह मैंने एंगुलर वेलोसिटी से कंपेयर किया और यहां पे मैंने डेरिवेशन कर ली और ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, अब ओमेगा किस पर डिपेंड कर रहा है, के और एम पर, एस एच एम के लिए, एस एच एम के लिए के और एम पर डिपेंड कर रहा है, जिस तरह सर्कुलर के लिए ओमेगा एंगुलर के ऊपर एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रहा था ना, एक्सेलरेशन करना किस किस तरह का एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन जो कर रहा था एक्सेलरेशन पर डिपेंड हो रहा था, जबकि दैट इज तो तुम्हारी जो एंगुलर वेलोसिटी थी एक्सेलरेशन पे, वो हमने क्या कर दिया, अब के अपॉन ए के और एम पर डिपेंड करवा दिया और ये डेरिवेशन आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सिस्टम में किस तरीके से टाइम पीरियड चेंज होता है। तो पहले एक सिंपल सा सिस्टम ले लेते हैं हम लोग, एक सिंपल एक सिस्टम ले लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये सिस्टम बनाया है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है, सिंपल जो सिस्टम है, इसमें एक मैंने स्प्रिंग ली और एक ब्लॉक एक मास मैंने यहाँ पर बांधा और इसको मैंने इस तरह डिस्प्लेस कराया है ना, कितना डिस्प्लेस कराया, एक्स मैंने डिस्टेंस डिस्प्लेस कराया,
तो आपको पता है कि जितना हम आगे डिस्प्लेस कराएंगे तो एक इसके इसके अंदर इस स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, इस स्प्रिंग के में एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। कितनी होती है ये हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं, बोलो जरा कितनी फोर्स होगी? माइनस के एच, करेक्ट यही होगा ना, माइनस के, माइनस इस फॉर साइन के डायरेक्शन के लिए है तो उसमें कंफ्यूज मत होना, माइनस के, माइनस में के माइनस में नहीं हो सकता है, के तो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ये तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो के एक्स यानी के जो स्प्रिंग का जो कांस्टेंट है और एक्स जितना डिस्प्लेस हुआ उतना आपका फोर्स जनरेट हो जाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब जितना ज्यादा आप और ज्यादा एक्स लोगे फोर्स उतनी ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स से हमारा टाइम पीरियड क्या आ रहा था? 2π/2π अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। तो यही इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, के में तो कुछ चेंज नहीं है, सेम टू सेम टाइम पीरियड आप रख दो यहाँ पे। टाइम पीरियड इस स्प्रिंग ब्लॉक के लिए क्या आ जाएगा? 2π/√m/k, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल स्प्रिंग जो ब्लॉक है ये आपका टाइम पीरियड आ गया, ठीक है ना, ये इस टाइम पीरियड से। अब इस टाइम पीरियड से मतलब क्या है? इस टाइम पीरियड से मतलब ये है कि जितना तुम मास बढ़ा दोगे टाइम पीरियड उतना ज्यादा हो जाएगा, उतने धीरे 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 मास वजन बढ़ जाएगा ना, तो क्या होगा? धीरे 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 उसका साइकिल होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा ना, एक साइकिल होने के लिए टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि एम बढ़ रहा है, एम और टी में डायरेक्ट रिलेशन है, एम और टी में डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा हाँ, के की बात करेंगे, के बढ़ाने से क्या होगा? टी बढ़ेगा? नहीं, टी और के में इनवर्स रिलेशन है, के बढ़ाएंगे तो टी कम होगा। हाँ ये बात सच है, के स्प्रिंग की सोचो कि टाइटनेस हमने बढ़ा दी, टाइट स्प्रिंग कर दी और मैंने खींचा तो क्या बहुत तेजी से आगे पीछे नहीं होगा क्योंकि स्प्रिंग आपके पास टाइट है, आपके पास स्प्रिंग क्या है? टाइट है, के हमने बढ़ा दिया तो के बढ़ाने से टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जो जल्दी जल्दी एसएचएम करेगा। तो ये तो समझ में आ गया ना, ओके। तो देखिए अब हम लोग देख रहे हैं, एक मैंने वर्टिकल सिस्टम बनाया, वर्टिकल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम बनाया। तो पहले देखिए इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो ये थी, ठीक है ना, ये इनिशियल पोजीशन थी। हमने क्या किया, एक्स इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है ना, ये एक्स है ना, एक्स मैंने इसको नीचे खींचा। डेफिनेटली जब मैं एक्स नीचे खींचूंगा तो यहां पे कुछ तो एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी, ओके, रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। तो कितनी रिस्टोरिंग फोर्स हो जाएगी बोलो, कितनी रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगी? mg इज इक्वल टू, नीचे mg है, mg इज इक्वल टू केएक्स, है ना, इतनी रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में आ जाएगी, एम जी इक्वल टू के एक्स। देखो रिस्टोरिंग, एम जी क्या, व्हाट इज एम जी? दैट इज योर रिस्टोरिंग फोर्स, जितना नीचे एम जी उतना वो स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स हो रहा है। तो एफ इज इक्वल टू इस बार के एक्स हो गया, ठीक है ना, एफ इज इक्वल टू क्या आ गया? के एक्स आ गया। तो ठीक है, अब हम टाइम पीरियड का इक्वेशन देख लेंगे। व्हाट इज आवर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π/√m/k, है ना। अब के को कंपेयर कर लो, अब के को कंपेयर कर लो, ठीक है। तो साइन देखो ऊपर जा रहा है फोर्स, नीचे तो माइनस लगा लो साइन, ठीक है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब की बार भी जो हमारा टाइम पीरियड निकला, अब की बार भी इस वर्टिकल सिस्टम में टाइम पीरियड जो निकला है वो टी इज इक्वल 2π/m/k, क्योंकि के का जो भी वैल्यू है वो यही है, सेम है, कुछ भी फर्क नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे के में कुछ चेंज होता है तो डेफिनेटली हम यहाँ पर भी टाइम पीरियड में भी चेंज कर सकते थे। ये अभी हम लोग ने समझा है क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, किस तरह, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन समझ में आ जाएगा हम लोग के यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, ठीक है। ये सिस्टम ओके, अब न्यू सिस्टम में बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए अब मैंने कुछ इस तरह सिस्टम को डिजाइन किया, तो मैंने क्या किया, एक एक्स डिस्टेंस खींचा, तो स्प्रिंग जो ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर कितना कितना स्प्रिंग फैलेगी? जो भी एक्स जो भी मैंने यहाँ से खींचा उतनी स्प्रिंग में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, स्प्रिंग में भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी कि अगर हम इसकी रिस्टोरिंग फोर्स निकालें तो फोर्स इज इक्वल टू, चलो इज इक्वल टू माइनस के, ये जो एक्स लिखते हैं वो एक्स किसका लिखते हैं? एक्स कितना स्प्रिंग आपका, याद रखना एक्स हम लोग जो लिखते हैं वो किसका डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं? जितनी स्प्रिंग खिंची, जितनी स्प्रिंग फैली या फिर कॉम्प्रेस हुई, ओके। तो
कितना ऊपर फैली है, एक्स डिस्टेंस फैली, तो फी इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो मुझे लगता है कि इसमें भी टाइम पीरियड जो आएगा ये सेम आ जाएगा, क्योंकि के में कोई भी चेंजेस नहीं है, मास तो हमारा वही है, मास में तो कुछ बदलाव है नहीं। ठीक है, यहाँ पर टाइम पीरियड यह आ गया। अब नया सिस्टम बनाते हैं, अब एक और सिस्टम बनाएंगे, अलग अलग सिस्टम में देखेंगे। अभी तक तो ठीक है, सेम आ रहा, कोई बात। अब देखते हैं, जहाँ पर भी डिस्टेंस में फर्क आया यहाँ पर, या मास में कुछ भी फर्क आया, तो डेफिनेटली टाइम पीरियड चेंज होने वाला है। देखो अब ये सिस्टम देखो, हमने क्या किया, हमारा जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन थी, यहाँ पर मास हमारा लटका हुआ था, और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये मास था। ठीक है, हमने क्या किया, इस मास को पकड़ के जो फोर्स है ना, एक्स डिस्टेंस मतलब फोर्स लगाया, और एक्स डिस्टेंस नीचे लेकर गए, एक्स डिस्टेंस नीचे लेकर गए। जब हम एक्स डिस्टेंस नीचे लेके जाएंगे, तो डेफिनेटली डेफिनेटली स्प्रिंग में भी तो एक डिस्प्लेस होगा, है ना, फैलेगी स्प्रिंग, फैलेगी नहीं फैलेगी, यानी इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आ जाएगा। तो अब समझ में, देखो ये समझो जरा, अब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जब मैं यहाँ पर एक्स नीचे लेके जाऊँगा, तो ये धागा क्या होगा, देखो ये एक्स मैं नीचे लेकर गया, ऐसे खींचा मैंने, तो धागा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बाजू एक्स एक्स फ्री होगा। मेरी बात समझ रहे हो, समझ रहे हो, दोनों बाजू कितना फ्री होगा, एक्स एक्स फ्री होगा। तो भाई यहां पर समझना है कि अगर हम यहां पे समझो कि मैंने 2 सेंटीमीटर नीचे लेके गए, इसमें कितना लेके गए, 2 सेंटीमीटर नीचे लेके गए, तो स्प्रिंग कितनी फैलेगी, क्या स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर ही फैलेगी, ये समझने वाला पॉइंट। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से समझो, देखो मैं यहां बना रहा हूं डायग्राम, देखना, जैसे कि हमारा ये ऐसे डोरी थी, ठीक है, ये हमारा पुली लगा हुआ था, हमने क्या किया, एक्स नीचे लेकर आए, पुली हमने खींचा, और हमारी पुली ऐसे आई, देखो धागा कितना फ्री हो जाएगा, जो डोरी होगी स्ट्रिंग होगी, अगर ये एक्स नीचे लाए, तो स्प्रिंग देखो ऐसे करके ऐसे होगा ना, ये देखो डबल डिस्टेंस फ्री हो जाएगा, स्प्रिंग कितना, डबल डिस्टेंस फ्री हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्स यहाँ पर भी एक्स। तो कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये हो रहा है कि जो तुम्हारा मास है, मास है, अगर ये एक्स नीचे लेना चाह रहे हो, पुली अगर एक्स नीचे आ रही है, तो मास तुम्हारा 2x नीचे आएगा, ये चीज समझने वाली थी, बात समझे। अगर हम जो मास है ना, यानी कि हमने अगर इस पुली को एक्स नीचे लेकर आए, तो मास कितना नीचे आएगा, 2x। इसका मतलब अगर मास तुम एक्स नीचे ला रहे हो, तो स्प्रिंग कितनी नीचे आएगी, एक्स बाई 2। ये मैं बताना चाह रहा था, देखो मैंने ये बताया ना, देखो यहां पर देखो, मैंने पुली को एक्स नीचे लेकर आया, ये डिस्टेंस कितना है, ये जो डिस्टेंस है ये एक्स है ना, समझे 2 सेंटीमीटर है। मैं जब ये 2 सेंटीमीटर नीचे लाऊंगा, तो स्प्रिंग भी 2 सेंटीमीटर फैलेगी, स्प्रिंग भी 2 सेंटीमीटर फैलेगी, यहाँ पर स्प्रिंग बंधी हुई है, ऐसे 2 सेंटीमीटर फैल जाएगी, है ना, 2 सेंटीमीटर फैलेगी, नहीं फैलेगी, 2 सेंटीमीटर फैल जाएगी। ठीक है, अब देखो, तो क्या मास जो यहाँ पर मास लगाया हुआ है हमने ब्लॉक, क्या ये भी 2 सेंटीमीटर नीचे जाएगा क्या, नहीं, मैंने कितना नीचे लाया पूरी 2 सेंटीमीटर, तो 2 2 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा मास, क्योंकि देखो जो डोरी हो रही ना, दो दो दोनों साइड फ्री हो रही ना, हवा में थोड़ा लटकी रहेगी डोरी, तो पूरा ऐसे लपट के नीचे आ जाएगी 4। अगर 2 सेंटीमीटर पुली को 2 सेंटीमीटर नीचे ला रहे हो, तो मास 4 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब स्प्रिंग इस ऐसे टाइप के, अगर ये जो हमने मूवेबल पुली लगाई हुई, अगर ऐसा सिस्टम बनाया, तो जितना तुम ये पुली नीचे ला रहे हो, है ना, ये पुली जितना नीचे ला रहे हो, उसी उसका डबल मास नीचे आएगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ये समझने वाली बात थी। ठीक है, समझ में आ गया, तो ठीक है, तो मैंने अगर एक्स लेकर आया, तो स्प्रिंग एक्स डिस्प्लेस नहीं होगी, या एक्स नहीं फैलेगी, ऐसे कहो, एक्स स्ट्रेच नहीं होगी, एक्स बाई 2 आधा होगा, ठीक है ना, स्प्रिंग जितना फैलेगी उसका डबल मास नीचे जाएगा, तो एक्स बाई 2 का डबल एक्स, क्लियर है। तो हमें मालूम पड़ गया कि जो रिस्टोरिंग फोर्स निकाल लो फटाफट, जो रिस्टोरिंग फोर्स है क्या है, माइनस के, अब की बार एक्स क्या है, एक्स क्या लेते हैं, एक्स हम इसका डिस्प्लेस नहीं लेते हैं, ये कितना स्ट्रेच हुई है स्प्रिंग, इसका लेते हैं, तो ये आ जाएगा अब की बार एक्स बाई 2। ठीक है, कुल मिला के अगर एक्स के टर्म में देखेंगे, तो माइनस के बाई 2 एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बात तो एक ही है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अब देखो, अब टाइम पीरियड निकाल लो, टाइम पीरियड निकाल लेंगे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम, में तो कोई चेंज नहीं है एम, अब की बार देखो के,
आपके पास के क्या हो गया, के बाई टू हो गया है, आपके पास के क्या हो गया, के बाई टू हो गया है। ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रही, चेक कर लो एक बार। एक चीज और समझना है, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा टी वाला आएगा कि यहाँ पे आपने जितना फोर्स लगाया तो स्प्रिंग को पलट के कितना फोर्स मिल रहा है ये भी देख लो जरा। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखना पड़ेगा क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या होगी, टेंशन होगी, है ना। यहाँ पे क्या है, टेंशन है, यही टी यहाँ पर देखो, यहाँ पे टी क्या हो रहा है, ये वाला टी देखो, ये ऐसे बनाया मैंने, ठीक है ना, ये टी यहाँ पे टी किसके बराबर है, एम जी के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये जो टी है, जो स्ट्रिंग देखो यहाँ पर जो स्प्रिंग जो स्ट्रेच हो रही है, जो फोर्स लग रहा है वो किसके अगेंस्ट फोर्स है, ये दो टी के बराबर है। देखो यहाँ पे जो आया ये दो टी, आप पुली को मान लो मासलेस है, ठीक है, ये दो टी के बराबर आ गया, यानी कि इसको पहले ब्लॉक मारो, यानी कि टू टी जो होगा, जो जो टू टी है, जो टेंशन है ना, फोर्स यही है ना, ये स्ट्रिंग टेंशन दे रही है ना इसको, तो दो टी है किसके बराबर है, इस पे जो फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग फोर्स, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है, माइनस के एक्स बाई टू, एंड देन टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स बाई फोर हो रहा है एक्चुअली, जो टी टी डैश ले लो है, टी फोर हो रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, देख लो फिर से, इसके जो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है ये किसके अगेंस्ट है, ये जो जो टेंशन है ना यहाँ पे देखो, अगर आपने पुली वाला पढ़ा होगा चैप्टर, तो ये जो टेंशन है यहाँ पे कितनी टेंशन है, दो टी है, कितनी टेंशन है, टू टी है, तो टू टी के अगेंस्ट ये फोर्स है ना रिस्टोरिंग फोर्स, इस टू टी के अगेंस्ट जो भी हमने फोर्स लगाया तो ये टू टी दो टी में डिफरेंस ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, जो भी हम फोर्स लगाएंगे, ये जो वायर है, ये जो स्ट्रिंग है, ये एक टी ये दोनों टी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया फोर्स हमारा, जो भी हमने फोर्स खींचा नीचे, तो ये किसके अगेंस्ट है, टू टी इज इक्वल टू के माइनस के, और डिस्प्लेस कितना हो, एक्स बाई टू, डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया एक्स बाई टू, तो ये छोड़ दो, ये आएगा सही इक्वेशन, के एक्स जो टी है, टी व्हाट इज टी, और टी इज योर फोर्स, है ना, टी जो है एम जी फोर्स के बराबर है ना, तो माइनस के एक्स बाई फोर, कुल मिला के जो के की वैल्यू आ गई के बाई फोर, तो यहाँ पर आ जाएगा के की वैल्यू के बाई फोर आ जाएगी, है ना, के बाई फोर आएगी, तो उसको रेसिप्रोकल करोगे 4m/k आ जाएगा। ये ठीक है, ये ठीक है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स हम लोग देखते हैं स्प्रिंग में वो किसके अगेंस्ट है ना, यहाँ पर भी तो ऐसे ही कर रहे थे ना हम लोग, कि हमने फोर्स लगाया F किसके अगेंस्ट है, तो लाइट का इश्यू है, एक मिनट, चलो ठीक है, समझ में आ गया, तो ये दो टी में फोर्स, हमने जो भी फोर्स लगाया था मास के, जो खींचा था हमने, ये दो टी, एक टी यहाँ एक टी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, दो स्ट्रिंग थे ना, है ना, टी टी सेम क्यों है, क्योंकि स्ट्रिंग तो वही है, स्ट्रिंग तो अलग अलग है ही नहीं, टी टी तो वही है ना, तो ये दो टी के अगेंस्ट हमारा फोर्स था, दैट इज माइनस के एक्स बाई टू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो था वो इसके डिस्प्ले, हमने अगर एक्स यहाँ पे नीचे, अगर मास हमारा एक्स नीचे आया तो आधा हाफ है ना स्ट्रेच होगी स्प्रिंग, ये भी मैं हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर देखो टाइम पीरियड कुछ अलग आ रहा है अगर सिस्टम हमारा इस टाइप का है, मूवेबल पुली के ऊपर है। ओके डन, तो अब की बार मैंने कुछ इस तरीके से सिस्टम मैंने डिजाइन किया हुआ है, देखो इसी का अपोजिट जैसा दिख रहा है, देख लो, है ना, पहले हमने क्या किया था, हमारा जो फिक्स पॉइंट था नीचे था, अब की बार फिक्स पॉइंट कहाँ है, ऊपर है, पहले क्या हो रहा था कि मास, अगर अगर स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर नीचे आ रही तो मास 4 नीचे आ रहा था, स्प्रिंग अगर 1 सेंटीमीटर नीचे आएगी तो मास 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा था, ठीक है ना, यानी कि आधा और डबल, या आधा और एक का, या डबल का रेशियो का फर्क था दोनों के डिस्प्लेसमेंट में, करेक्ट, लेकिन अब की बार मैंने क्या किया है, फिक्स पॉइंट ऊपर रखे हुए हैं, ठीक, अब देखना यहाँ पर देखो, यानी कि अगर मैं इसको, अगर मैं एक्स डिस्टेंस नीचे लेकर आऊं, ऐसे खींचूं एक्स डिस्टेंस, मास 1 kg, ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने, एक्स, ठीक है, दिखाई दे रहा है एक्स डिस्टेंस, अब यहां पे देखना, ध्यान देना है रहा, ठीक है, होगा क्या, होगा क्या, देखो मैंने यहां पर एक्स नीचे खींचा, ऐसे खींचा नीचे एक्स, तो ये तो स्ट्रिंग है, ये तो स्प्रिंग है ही नहीं, ये क्या है, ये तो स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं है ये,
ठीक है, तो यहां पर कितना असर पड़ेगा, यहां पर कितना असर पड़ेगा, देखो जरा ध्यान से, समझ में आएगा। देखो ये जो पुली है ना, ये नीचे आई, एक एक्स एक्स नीचे आई ना, क्योंकि मास नीचे एक्स आ रहा है, तो पुली एक्स नीचे आई, तो यहां पर ये दोनों जो स्ट्रिंग है कितने नीचे आ जाएंगे, एक एक्स एक 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 एक्स एक फ्री होंगे, 2x नीचे हो गए, इसके लिए जगह कितनी छोटी, 2x, फिर यहां पर भी 2x, टोटल 4x हुआ कि नहीं हुआ, कितना हो गया टोटल 4x हुआ कि नहीं हुआ, समझ रहे हो, समझ रहे हो, देख लो आराम से वीडियो पॉज करके देख लो, समझ लो, विजुअलाइज कर लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसमें 4x के बराबर हो रहा है, कितना हो रहा है 4x के बराबर, अगर 1x नीचे लाएंगे तो ये दो मिला के, अब ये तो स्ट्रिंग है, इसमें तो खिंचाव होगा नहीं, जितना भी खिंचाव होगा, जितना भी एक्सटेंशन होगा, इस स्प्रिंग में होगा, देखो यहाँ आए तो इधर एक एक, इधर एक एक्स, 2x हो गया, यहाँ पे 2x फ्री हो जाएगा धागा, स्ट्रिंग 2x फ्री हो जाएगा, फिर इसका एक एक्स, इसका एक्स, अगेन 2x, तो टोटल हो गया ना 4x, टोटल कितना है? स्प्रिंग स्ट्रिंग कर जाए खिंच जाएगी, कितना स्ट्रेच कर जाएगी, 4x के बराबर कर जाएगी, ठीक है, तो हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स के लिए फॉर्मूला लिखेंगे माइनस के, अब की बार जो एक्स हो गया वो 4x हो गया, कुल मिला के -4kx लिख सकते हैं हम लोग, करेक्ट, टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा दो। अच्छा एक चीज और, फोर्स के बारे में जान ले जरा, फोर्स के बारे में भी जान ले, चलो अब देखो फोर्स देखेंगे, है ना, फोर्स देखेंगे, अब देखो यहां पे जो फोर्स जो लग रहा है किसके अगेंस्ट है, ये रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके अगेंस्ट है, देखो हमने यहां पे एक फोर्स लगाया तो यहां पे टी और टी आ गया, मैंने यहां पर समझो इस तरह टी टेंशन आई, हमारे एक फोर्स खींचने पे टी टेंशन आ गई, ठीक है, अब ये जो टी है इन दोनों वायर में टी बाई टू में बटेगा, अरे भाई यहां पे जो एक टेंशन थी, यहां पे जो एक टेंशन थी, ये किस में बढ़ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आधे आधे में, है कि नहीं है, अब इस पुली के लिए देखो, इस पुली के लिए कितना टी है, यहां पे कितना टी है, टी बाई टू है, ये कितना है, टी बाई टू है कि नहीं है, ओ बात समझो, मैंने यहां पे एक टेंशन दी टी, मतलब फोर्स मतलब टी टी दिया हुआ है, ठीक है, टेंशन जो स्ट्रिंग में टेंशन है, तो यहां पर जो एक टी आया है इधर भी वही सिंगल टी है, तो ये जो दो स्ट्रिंग में है आधा आधा टी बढ़ जाएगा भाई, ये एक टी जो भी 10 न्यूटन है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन झेलेंगी दोनों स्ट्रिंग, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है, अब ये पुली इस स्ट्रिंग से बटी टी बाई टू से, तो यहां पर भी दो है, तो इसमें भी क्या बढ़ जाएगा, टी बाई फोर आधा आधा हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो पुली में जो जो ये जो ये इसमें जो टेंशन है, इसके जो स्ट्रिंग और स्प्रिंग में टेंशन है, ये टी बाई टू था, यहां पर इसने आधा आधा बांट लिया, कैसे हुआ, देखो टी से टी बाई टू वापस टी बाई टू से टी बाई फोर, क्लियर, यानी कि जो हमें जो फोर्स मिला इस स्प्रिंग के लिए कितना मिला, एक्चुअली कितना मिला, T/4 मिला, ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो कितना है, T/4 है एक्चुअली, हाँ अच्छा साइन का देख लेना, प्लस माइनस क्या है वो देख लीजिएगा, तो फोर उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -16kx हो जाएगा, करेक्ट, इतना हो गया हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, समझ लो इतना रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो टाइम पीरियड लगा दो, चलो 2π m, तो वही है k, कितना हो गया आपके बार 16k हो गया है, करेक्ट, तो ये आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, देख लो, ठीक है, और m की जगह जो भी आपका मास दिया हुआ है वो डाल देना, तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट समझो, आप सिस्टम तुम्हें कैसे भी घुमा फिरा के दे दे, कॉन्सेप्ट समझना किस तरह है ना, फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक्स खींचने पे ऊपर कितना हो रहा है, डबल हो रहा है कि आधा हो रहा है, देखो यहाँ पे उल्टा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से बंधा हुआ था, है ना, नीचे से बंधा हुआ था, तो अगर हम जो एक्स ले रहे तो x/2 में x/2 हो रहा था यहाँ पर, है ना, क्या हो रहा था, x/2 हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, यहाँ पे एक्स करने पे इधर क्या हो रहा है, एक्स एक्स 2x हो रहा है, फिर इधर वापस
4x हो रहा था, ये मैंने बता दिया है अभी, ठीक है ना। तो वो चीज आपको सिस्टम पर ध्यान रखना है, जहां से हम लोग खींच रहे हैं वहां से पकड़ो, जहां से हमने फोर्स लगाई वहां से पकड़ लो, वहां से पूरी चीज फोर्स के लिए भी और डिस्प्लेसमेंट के लिए भी, एक्स पता करने के लिए भी ऐसे ही जाओ आप, और फोर्स जिस जो रिस्टोरिंग फोर्स किसके अगेंस्ट है वो पता करने के लिए भी आप नीचे से ही जाओगे, या जहां से आपका मास लगा हुआ है, ठीक है, क्लियर है ये। तो एक और सिस्टम डिस्कस कर लें, उसके बाद ये लेक्चर हम लोग ओवर कर देंगे। देखो ये सिस्टम है ना, यहाँ पे देखो तीन तुम्हारी इसको तो बांधते हैं, तीन पुली पर ये सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, जिसमें दो पुली में मैंने क्या किया, एक मास बांधा हुआ है, ठीक है, और एक पुली फिक्स है, दो मूवेबल पुली है ना, ये पुली ऊपर नीचे इस तरह SHM करेंगे। तो मैंने क्या किया, एक्स डिस्टेंस इस तरह इसको खींचा है ना, एक्स डिस्टेंस मैंने डिस्प्लेस किया, ऐसे फोर्स लगाया एक्स। अब ऊपर जाएंगे हम लोग, ऊपर जाएंगे देखेंगे किस तरीके का चेंजेस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में एज वेल एज फोर्स में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको खींचा और मान लो टी, कितना फोर्स लगा दिया टी। तो देखेंगे आप ये जो स्ट्रिंग है ना, स्प्रिंग विद स्ट्रिंग जो भी है, तो यहाँ पर देख लो आप, ये एक ही है, सिंगल है, तो यानी कि जो भी टी रहेगा, जो भी मैंने फोर्स जो भी लगाया वो सेम ही तो रहेगा ना, एक ही स्ट्रिंग है ना, यहाँ पर स्ट्रिंग अलग अलग थोड़ी ना है, स्ट्रिंग तो एक ही है। यहाँ पर देखो सिस्टम में क्या हो रहा था, ये स्ट्रिंग अलग थी, टी बाई टू टी बाई टू टी बाई टू, देखो ये स्ट्रिंग सेम थी, टी बाई टू टी बाई टू, ये स्ट्रिंग सेम थी लेकिन इससे अलग थी, तो इसमें फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, टी बाई फोर इधर तो टी बाई फोर इधर, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ही है स्प्रिंग स्ट्रिंग सेम है, तो मान लिया मैंने टी फोर्स लगाया तो सब में टी मान लिया मैंने, है ना, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है टी मान लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे ये तो मालूम पड़ गया टी लगा हुआ है फोर्स, ये तो हमें पता चल गया फोर्स हमारा क्या है टी, तो फोर्स हमारा रिस्टोरिंग फोर्स बाय डिफॉल्ट माइनस के एक्स है, जिसमें फोर्स तो हमारा टी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे देखेंगे, अब अच्छा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, अब डिस्प्लेसमेंट में जाओ जरा नीचे ले जाओ, सोचो जरा अगर मैं यहाँ पर मैंने एक्स डिस्टेंस नीचे लेकर आया इसे मास को, ठीक है, तो यहाँ पे कितना चेंजेस होगा एक्स में, जरा खुद भी वीडियो पॉज करके खुद भी जरा सोचो और आइडिया लगाओ कि किस तरह चेंजेस होगा डिस्प्लेसमेंट पे। देखो ठीक है, समझ लिया। अब देखो यहां पर देखो आप कि ये जो स्प्रिंग है, कुछ आप ऐसे मान सकते हो ऐसे करके, है ना, ऐसे मान लो आप, क्योंकि ये तो फिक्स है, मूवेबल के लिए क्या मानोगे आप, ऐसे करके मान लो, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट में अगर ऊपर से जैसे मूवेबल पुली है, अगर मूवेबल पुली है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर और नीचे में क्या रिलेशन होगा, अगर ऊपर से बंधी है, अगर ये एक्स है तो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई। देखो ना, अगर एक्स नीचे आई तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड धागा फ्री हो जाएगा, है ना, मतलब इधर भी एक्स, तो आप मान सकते हो ओवरऑल एक्सेस 2x हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इधर एक नीचे खींचेंगे तो ये एक्स एक्सेस कितना हो जाएगा ओवरऑल स्प्रिंग के लिए, भाई स्ट्रिंग थोड़ा खींचेगी, जो स्प्रिंग है वही जाएगी पूरा पूरा एडजस्ट करेगी अपने आप को, तो ये एक्स और ये एक्स को एडजस्ट करके 2x यहाँ पे जो एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग का वो 2x हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, बात समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मैंने ये तो मैंने मान लिया टी टी टी, अच्छा यहाँ पे कितना होगी इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी हो गई, सोचो जरा क्या यहाँ पे 2t नहीं हो गई, अरे भाई इस स्ट्रिंग में 2t है तभी तो इसको टी टी डिस्ट्रीब्यूट किया हमने, टी इधर आधा आधा हो जाएगा ना इस स्ट्रिंग में 2t, क्योंकि अगर मैं मान रहा हूँ टी और टी है, ठीक है, पूरा ओवरऑल फोर्स सिस्टम में टी मान रहा हूँ, तो इस स्ट्रिंग के लिए ये तो स्ट्रिंग अलग है ना, इससे पहले भी डिस्कस किया है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो टी और टी इस पर तो 2t आ गया ना, यहाँ पर भी क्या आ गया 2t आ गया, तो कुल मिला के जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमारा कितना हो रहा है मालूम है, ये 4t हो रहा है, ये ध्यान रखना है 4t के बराबर हो, 2t 2t 4t के बराबर हो रहा है, 2t 2t मिलके यहाँ पे 4, यहाँ पे मिलके 4t, ऐसे सोचो 2t 2t
यहाँ पर मिलके एक जो आर है दोनों मिला के 4T हो रहा है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमें मिल गया 4T। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट हो किसी भी सिस्टम में तो आप कभी भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख लो मैंने एफ की जगह क्या डाल दिया, टी कितना हो गया, हाँ तो यहाँ पे टी कितना हो जाएगा देख लो, ये 2T, 2T 4T हो गया। इक्वेट कर दो, 4T इज इक्वल टू माइनस के एक्स, बोलो क्या आएगा, कितना डिस्प्लेस हो रहा है, 2x हो रहा है, 2x आ जाएगा। यहां पे स्प्रिंग देखो कितनी डिस्प्लेस हो रही है, ये मेन पार्ट है, यहां पे स्प्रिंग कितनी डिस्प्लेस हो रही है, ये मेन पार्ट है, ठीक है, 2x हो रही है। तो कितना हो जाएगा देख लेंगे, टी इज इक्वल टू माइनस तो मेरे ख्याल से 4T लेने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर टी लोगे, क्यों, क्योंकि ये जो स्प्रिंग में फोर्स कितना है, ये तो टी है ना, यहां से देखो इस पार से देखो, है ना, ठीक है ना, यहाँ से ना देखो, यहाँ तो मैंने बता दिया एक पूरी सीक्वेंस बता दिया किस तरीके से फाइनली 4T लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे जरूर 4T लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होते 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 टी हो गया, ठीक है ना, ये मैंने सीक्वेंस बता दिया था, करेक्ट। टोटल जो फोर्स है ये तो ये क्या है, फाइनल यहाँ पर है ऑन ब्लॉक, ये तो ब्लॉक पर है, ठीक है। हमें फोर्स कहाँ पे देखनी है, हमें स्प्रिंग जिस फोर्स से स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, कि ये तो 4T आ गया था, किस तरह सीक्वेंस मैंने बांध के निकाल दिया था 4T, ठीक है ना, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते 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 कितना हो गया, टी हो गया था, स्प्रिंग के लिए कितना हो गया, टी हो गया है, तो आप टी लोगे यहाँ पर, करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट कितना, 2x था, तो ये आ गया आपका, ठीक है, ठीक है। अब पूरे सिस्टम को देख लो, ओवरऑल सिस्टम में कितना हो जाएगा, ओवरऑल सिस्टम के लिए इधर टी डबल हो गया फोर्स, ठीक है ना, इधर टी इधर डिस्प्लेसमेंट 2x, इधर डिस्प्लेसमेंट 2x, हम पूरे किसका सिस्टम का पकड़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डबल हो गया और इधर टी भी डबल हो गया, तो कुल मिला के हो गया 4 गुना ज़्यादा हो गया, तो आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स निकल आएगा वो हो जाएगा 8kx, 8kx निकल आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा ना, देख लो आप समझ गया, ये तो एक पार्ट का मैंने निकाला था, अब इसको ओवरऑल पूरे सिस्टम से आप ये करो, पूरे सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा, पूरे सिस्टम के लिए आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा, क्योंकि ये भी तो स्प्रिंग है ना, अभी तो एक पार्ट मैंने देखा था, तो डिस्प्लेसमेंट इधर और इधर का एक और टी हो गया, तो ओवरऑल 4 गुना बढ़ गया ना, 2T और 2 2 2 4x हो गया, तो 8 8 के x आ जाएगा, तो इसका जो टाइम पीरियड निकलेगा 2π, m तो m ही है और k जो हो गया हमारा 8k हो गया, ये निकल आएगा इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी जो भी जिस तरीके से भी सिस्टम आ जाए तो उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी तरह कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो यहाँ पर देखो जो मुझसे गलती हो रही थी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 40 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें स्प्रिंग में कितना फोर्स लग रहा है, मैंने ये स्प्रिंग देख रहा हूँ मैं, ये वाला उसमें देख रहा हूँ भाई, 40 तो पूरे इसके लिए था ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता गया, डिस्ट्रीब्यूट होता गया, इस स्प्रिंग में तो टी आया ना, है ना, इधर गया, इधर आधा आधा हो गया, फिर इधर आधा आधा हो गया, टी बचा ना 40 से, तो मैंने लेकिन काउंटिंग मैंने कैसे की थी, मैंने यहाँ पे लेट टी यहाँ से लेट किया था, जिससे कि इजी पड़ जाए, मान लिया इस स्ट्रिंग में टी फोर्स पड़ रहा है, ठीक है, तो टी 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 क्योंकि सेम स्ट्रिंग है तो टी टी रहेगा, फिर यहां से मैं अपोजिट गया था, ये टी है, ये टी है, तो ये 2T हो गया, जब ये 2T है, ये 2T, तो ये 4T हो गया, ठीक है ना, तो स्प्रिंग के लिए आपका क्या लग रहा है, टी लग रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो ये टी हो गया, ये टी हो गया, ये 2x, ये 2x हो गया, ओवरऑल 8kx हो गया, ठीक है। तो बाय द वे अगर फिर भी लगता है, अगर कोई डाउट है आप लोग को फिर भी लग रहा है, तो आप मुझसे है ना लाइव जो हमारे लेक्चर्स होंगे तो उस पर आप